छत्तीसगढ़ में 12 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अजीत जोगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़ा झटका पहुंचा सकते हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत जोगी ने कहा कि अच्छा मुकाबला है कि त्रिकोणी सरकार बनाने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस के साथ साथ या तीसरी शक्ति उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें, जिस तरह से अजीत जोगी चुनाव से पहले फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि अजीत जोगी चुनाव में दांव पर लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से अजीत जोगी मैदान में उतरे हैं, उससे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की नींद उड़ी हुई है और अब की बार अजीत जोगी ने बड़ा गेम खेल दिया तो कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका तो लगेगा ही। साथ ही इस बार अजीत जोगी को फायदा मिल सकता है और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। SP9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।